ओके इस वीडियो के अंदर गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस रियलमी C53 फोन में नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम का बारे में। सो दोस्तों क्या होता है इस फोन में जो VoLTE का जो प्रॉब्लम है वो गाइस इस फोन में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि ये जो VoLTE ना गाइस कभी कभी तो गायब ही हो जाता है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग इस फोन में डेटा वगैरह ऑन करते हैं ना, जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो डेटा ही ऑन नहीं हो रहा है, जो कि गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो डेटा ही ऑन नहीं हो रहा है, जो कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। सो दोस्तों इसको हम लोग साइड में रखते थे। उसके बाद गाइस इस फोन में ना इंटरनेट जो गाइस वो गाइस बहुत ही स्लो चलता है। सो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है कभी कभी देते बट इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम जो गाइस वो गाइस बहुत ही मतलब इंटरनेट फास्ट चलता ही नहीं। सो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ट्रिक वगैरह दूंगा, ये जो ट्रिक है गाइस आप लोग भी अगर अपना फोन में फॉलो करोगे ना दोस्तों आपका फोन फूम रॉकेट की तरह भागेगा। सो दोस्तों ये ट्रिक क्या है वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस जल्द से लाइक करो, इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्द से सब्सक्राइब करो, और गाइस अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो गाइस जल्द से फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू किया। तो गाइस ये रहा मेरे पास रियलमी C53 स्मार्टफोन, देखिए गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और गाइस इस फोन में गाइस अगर हम लोग यहाँ पे डेटा को ऑन करता हो तो देखो गाइस यहाँ पे डेटा ही ऑन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे डेटा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि यार डेटा ऑन कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे मोबाइल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, देखिए गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो डेटा ही ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है गाइस अभी आपका फोन में यहाँ पे फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, इस फोन का जो सेटिंग एप्लीकेशन है गाइस सबसे पहले गाइस सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर चला जाना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको 3 नंबर पे एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाइस मोबाइल नेटवर्क, और नीचे यहाँ पे Jio 4G करके एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है गाइस, आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपका सिम कार्ड का नाम है यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका एयरटेल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, और गाइस ये जो ऑप्शन है निकलने के गाइस आपको मैं यहाँ पे और भी एक ट्रिक यहाँ पे बताना चाहूंगा गाइस। अगर आप लोग ऊपर से यहाँ पे स्वाइप करने के बाद गाइस ये जो डेटा का जो ऑप्शन है यहाँ पे गाइस आप लोग जैसे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो दोस्तों आपका यहाँ पे वही सेटिंग यहाँ पे फिर से आ जाएगा, जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं ना गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखो रोमिंग का जो एक ऑप्शन है गाइस आपका फोन में यहाँ पे बंद रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक करना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे रोमिंग चार्जेस में अप्लाई करके एक ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको येलो पे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ओके पे कर देना है क्लिक। उसके बाद गाइस आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है आपका फोन में यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो मोबाइल डेटा ऑलवेज ऑनलाइन का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाइस, ये भी गाइस आपका फोन में यहाँ पे बंद रहेगा, जैसे गाइस यहाँ पे देख पा रहे मोबाइल पावर नेटवर्क मेक कंज्यूम मोर पावर, मतलब ये भी गाइस आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद गाइस आपका जो फोन का जो पावर है मतलब यहाँ पे नेटवर्क का जो पावर है वो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे वीडियो कॉलिंग है ये भी गाइस आप लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क का एक ऑप्शन है, मतलब आपका फोन में अगर मान लीजिए आपका फोन में नेटवर्क नहीं मिल रहे ना तो दोस्तों उस सेशन में आपको क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे उसके बाद ओके का एक ऑप्शन आ जाएगा गाइस। आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो दोस्तों आपका यहाँ पे आपका एरिया पे यहाँ पे जितना भी नेटवर्क है वो गाइस सारे का सारे गाइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको लगता है कि आपका जो फोन है मदरबोर्ड से कुछ प्रॉब्लम है वो भी गाइस चेक करने के लिए यहाँ पे गाइस अगर आपका फोन में बहुत सारा नेटवर्क आता है ना तो गाइस आपका मदरबोर्ड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये गाइस आपका डिवाइस का सेटिंग्स का ही प्रॉब्लम है। जैसे गाइस यहाँ पे मेरा Jio 4G पे कनेक्टेड है और गाइस यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा गाइस, यहाँ पे अगर आपका फोन में बहुत सारा नेटवर्क आता है तो दोस्तों आपका फोन का मदरबोर्ड सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो गाइस है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है यहाँ पे गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो एक्सेस पॉइंट नेम्स करके एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक 3 डॉट का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे रिसेट टू डिफॉल्ट नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है रिसेट टू डिफॉल्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे गाइस आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो ऑल APN यू एट विल बी रिमूव्ड यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। सो दोस्तों ये आप लोग पढ़ भी सकते हो यहाँ पे, बाद में भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ओके पे कर देना है क्लिक, जैसे आप लोग ओके पे क्लिक कर दोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे देखो Jio जॉइनेट का एक ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे क्या करना है ना आपका जो फोन है गाइस आपका फोन का यहाँ पे एकदम एक बार स्विच ऑफ करना है, मतलब यहाँ पे गाइस आप लोग जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो रिस्टार्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करो। रिस्टार्ट पे गाइस आप लोग जैसे ही क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपका फोन एक बार यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद गाइस जैसे ही ऑन हो जाएगा ना तो दोस्तों आपका जो फोन है गाइस अभी रॉकेट से भी ज्यादा भागेगा। सो दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा।
तो दोस्तों हमारा फोन यहाँ पे फाइनली ऑन हो चुके हैं गाइस। अभी मैं यहाँ पे डेटा को ऑन करता हूँ। दोस्तों आपका सामने यहाँ पे देखूंगा गाइस, मैं जैसे डेटा को ऑन किया देखिए गाइस, अभी यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लाइव प्रूफ यहाँ पे डेटा चल रहा है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग यूट्यूब को यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जैसे यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो दोस्तों अभी आपका जो फोन है रॉकेट की तरह भागेगा देखिए गाइस। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कितना फास्टली यहाँ पे चल रहा है, मतलब हमारा एरिया पे थोड़ा नेटवर्क बहुत कम है इसीलिए गाइस यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ठीक हुआ है कि नहीं पहले गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके वो बताओ। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी गाइस रियलमी C53 फोन में नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को गाइस अभी लाइक करो और गाइस इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्द से सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।